आशिक बना अपने, क्रेजी फोर, कभी खुशी कभी गम, बहुत सारा फिल्म है। तो उसके बाद मैंने पंजाबी मूवी में भी फिल्म काम किया, जाट एंड जूलियट और इश्क ना और अप्पा, यार अनमोल। एक मूवी के लिए हर कोई अपनी अपनी जी जान लगाता है, चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे फिर वो एक हीरो ही क्यों ना हो, हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है। पर जो आपके सामने वो एक इमेज को चला रहे होते हैं, वो एक हीरो को हीरो बना देते हैं, वो कौन होते हैं? डीओपीज होते हैं। उनमें से आज एक मेरे साथ में है और गैंग वॉर 84 में ये काम कर रहे हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ गैंग वॉर 84 में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी खुशी कभी गम तो याद होगी, उसमें कौन थे, किसने वो एक इतनी बड़ी मूवी बना दी थी, ये थे। आपका पहले तो जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को आपकी मूवीज के साथ इंट्रोड्यूस करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मेरा नाम स्टैनली है। तो मैंने बॉलीवुड में बहुत सारा काम किया हूँ, कि पिक्चर का नाम भी बताना, आशिक बना अपने, क्रेजी फोर, कभी खुशी कभी गम, बहुत सारा फिल्म है। तो उसके बाद मैंने पंजाबी मूवी में भी फिल्म काम किया, जाट एंड जूलियट और इश्क ना और अप्पा, यार अनमोल, ये सारे फिल्म किया। कि फिर अभी मैं बीच में शूटिंग कर रहा था तो डायरेक्टर साहब ने आके मुझे मिला कि एक फिल्म करना है गैंग वॉर 84 करके, कि जम्मू में करनी है, कि अभी तक उधर फिल्म नहीं बना तो अभी फर्स्ट टाइम फिल्म करना है। तो मैं बोला ठीक है करेंगे। तो उन्होंने बोला कि 84 बोला तो फिर एकदम वो वाला टाइम का, तो फिर वो वाला क्वालिटी देना है। तो फिर मैंने सोचा था कि अगर वहाँ पे क्यों कर रहा है, तो वो वाला टाइम का जो 84 का जो लोकेशन होना था एकदम ओल्ड पुराना। तो फिर इधर आके देखा, मैंने लोकेशन देखा, बहुत सा अच्छा लगा मुझे। तो पुराना पुराना जब जो है किला वगैरह, तो उसमें शूटिंग करने की मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो इधर वाले लोग बहुत अच्छा भी है, तो वेदर भी थोड़ा अच्छा है, बहुत ठंड है ना, तो ये टाइम पे काम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिससे डीओपीज़ के दिमाग में लोगों को लगता है कि ये मूवी अभी चल रही है, पर डीओपीज़ के दिमाग में पहले वो मूवी चल गई होती है, क्योंकि उनको उसको बाद में उतारना होता है। तो आपको क्या लगा कि जम्मू की ऐसी कौन सी लोकेशंस हो सकती हैं जिसमें इस तरह से काम किया जाए तो दी बेस्ट होगा? नहीं, ऐसे तो सब जगह है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने आके मेरे को जो बताया था कि बोला 84 को जो करना है ना, तो फिर मेरा इमेजिनेशन मतलब गया था एकदम ओल्ड जैसा। तो फिर मैं सोचा था कि उनको जो काम करना अभी के जो टेंट जैसा नहीं है, कि मतलब एकदम अच्छा है ना, तो वो वाला दिखाना चाहिए था। तो एकदम मतलब डल लाइटिंग है, दो ओल्ड वाला दिखाना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने उनसे बात भी किया, कि बोला कि अच्छा कैमरा मंगाएंगे तो उसमें से काम करेंगे, छोटा कैमरा पे नहीं काम करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं आपको देता हूँ बड़ा कैमरा। तो फिर बोला वो बड़ा कैमरा पे जो होता है क्वालिटी ओल्ड वाला, तो फिर वो निकाला, अच्छा हुआ। 10 दिन हम लोग ने रामकोट में काम करके आया, तो आज फर्स्ट टाइम जम्मू में आया, तो और भी 10-20 दिन है, देखते हैं इधर क्या हो रहा है आगे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या खाया? क्योंकि खाना यहाँ का बहुत, जैसे पंजाब में आपने काम किया, पंजाब का खाना बहुत लजीज है, यहाँ का खाना पंजाब और के अगर बात करें वो लजीज, वो टेस्ट और वो टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ का? मैं बेसिक साउथ इंडियन हूँ जी, है ना। तो मैं वहाँ पे जो खा के फिर इधर आया, तो इधर आने के बाद जो आलू है, दाल है, नान रोटी है, बहुत अच्छा लगा कि मेरा साउथ जैसा है वो टेस्ट है। तो मैं पंजाब में भी खाया हूँ, ऑल ओवर इंडिया अराउंड वर्ल्ड भी किया हूँ मैंने, तो बहुत अच्छा लगा इधर का खाना, बहुत टेस्टी है हमारा। अच्छा, जैसा मीन क्या चीज़ लगी कि जम्मू की बात है, ये वाली जम्मू की बात ना मैं वहाँ जाकर ज़रूर बताने वाला, वो कुछ कैसा लगा, वो कौन सी बात है जो वहाँ तो पक्का जाएगी आपके साथ साथ जहाँ जहाँ जाएंगे? जैसे कि आप यहाँ से अपनी पैकअप करके वापस क्यों निकलेगा, तो फिर वो कौन सी एक बात होगी कि जम्मू के बारे में कि भैया मैंने जम्मू में वो देखा था, आपको भी देखना चाहिए, वो ऐसी कौन सी बात होगी? ऐसा है कि इधर लोकेशन एक से एक लोकेशन में, जो इधर कल जो लोकेशन गया था वहाँ पे माँ काली का जो मना एकदम ऊपर है जी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो लोकेशन भी देखे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करके जाना पड़ता है, एकदम ऊपर है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जम्मू ऑल ओवर रामकोट और जम्मू ये सब जगह बहुत अच्छा लगा मेरे जाके। मैं तो डेली मैं शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे यहाँ पे आकर आया हूँ मैं जम्मू में, तो लोकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्या बोलूँ, सब लोकेशन अच्छा है। अब एक बहुत टफ सा क्वेश्चन ज़रूर है, बट शायद इजी भी होगा, बॉलीवुड जैसी मूवीज़ यहाँ पर बन सकती हैं आपके अनुसार, आपकी आँखों के अनुसार, क्योंकि आपकी आँखें कुछ और बयान करेंगी, कुछ और देखेंगी, यहाँ पर उस तरीके की उस लिहाजे की मूवीज़ बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकता है। इधर लोकेशन एक से एक लोकेशन है, आर्टिफिशियल बोलता है ना, तो ऐसे एक से एक लोकेशन है, तो आप यहाँ पे कर सकता है बॉलीवुड भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बॉलीवुड जैसी मूवीज हो सकती हैं, बस अब नज़रिया ये चाहिए कि बॉलीवुड अब यहाँ की ओर रुख कर ले,
तो यहाँ के आर्टिस्ट जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी और वो पंजाब से आगे बढ़ते बढ़ते बॉलीवुड तक पहुँच जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।